हेलो फ्रेंड्स, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी लड़कियां या फिर लड़के भी अपने शरीर के अनचाहे बालों को हटाने के लिए वैक्सिंग करवाते हैं, तो वैक्सिंग करवाने के बाद अक्सर हमारी बॉडी पर पिंपल्स निकल आते हैं, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी बॉडी पर भी वैक्सिंग करवाने के बाद पिंपल्स की समस्या हो जाती है, तो आपको मेरी आज की ये वीडियो देखने की जरूरत है। दोस्तों, अपनी बॉडी से पिंपल्स को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आपकी बॉडी पर पिंपल्स होते क्यों हैं। जब भी हम वैक्सीन कराते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जिस भी पार्लर में या फिर जिस भी स्पेशलिस्ट के पास हम जाते हैं वैक्सीन कराने के लिए, वो हमारी बॉडी पर सबसे पहले पाउडर लगाती है और अपने पार्लर का एसी चालू करती है, ताकि हमारी बॉडी पर बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे, क्योंकि जितना मॉइस्चर हमारी बॉडी पर रहेगा, बैक्टीरियाज का संक्रमण उतना ज्यादा फैलेगा। इसीलिए इस संक्रमण से बचने के लिए जब भी आप वैक्सीन कराने जाए, तो कोशिश करें कि आपके हाथ पैर या फिर वो एरिया जहां पर आप वैक्सीन करा रही हैं, वो बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल भी वहां पर पसीना या फिर धूल मिट्टी ना हो। इसी के साथ साथ जब आप वैक्सीन कराएं, तो सही तरीके से अपनी स्किन को होल्ड करें। वैक्सीन कराने के बाद गंदे हाथों से अपनी वैक्स की हुई त्वचा को ना छुएं। ऐसा करने से संक्रमण बढ़ता है, और जब आपकी वैक्स पूरी हो जाए, तो अपनी बॉडी पर अच्छे तरीके से कोई मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए, ताकि आपके जितने भी खुले हुए पोर्स हैं, वो अच्छे तरीके से बंद हो सकें। और कुछ देर के लिए उसी स्थिति में रिलैक्सेशन जरूर करिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी पर पिंपल्स नहीं पड़ेंगे, और अगर आपकी बॉडी पर पिंपल्स पड़ जाते हैं, तो आप आइस पैक यानी कि बर्फ के टुकड़ों से मसाज कर सकते हैं। ये पिंपल्स को ठीक करने के लिए सबसे आसान तरीका है। सो दोस्तों, अगर आप वैक्सीन कराना चाहते हैं, तो सारी प्रिकॉशंस को याद रखिए, और अगर आपके पिंपल्स हो जाता है, तो बर्फ को इस्तेमाल करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।